हरियाणा के जो पहलवान है उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि एक स्कूल जाती हुई लड़की की स्कर्ट उठा के देखते हैं, उसी को मिसेज बनाने की बात करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हरियाणा में तो अखाड़े भी इतनी दूर बने हैं जहाँ कोई आसपास औरत लड़की नहीं जा सके, तो इतना गलत तरीके से राइटर को सर्च करना चाहिए, डायरेक्टर को सर्च करना चाहिए कि हरियाणा के पहलवान इस देश की आन बान शान है, और उनको इस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ हीरो की एंट्री दिखाने के लिए, डूब के मर जाना चाहिए। आज इंडिया के अंदर जितने भी पहलवान हैं, जितने भी रेसलर हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, वो हरियाणा से हैं। ये बहुत अच्छी मूवी लगी, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो एंड जब आता है ना तो बंदा कुर्सी से बन जाता है, उसको ना लगता है कि यार मतलब इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। जिस तरीके से उसमें एक देशभक्ति का जज्बा दिखाया है ना, लगता है कि यार इट्स अमेजिंग। अरे कमांडो और 1 और 2 के मुकाबले मुझे कमांडो 3 बहुत बेस्ट मूवी लगी है। आदित्य दत्त ने इट्स अ वेरी गुड डायरेक्टर, इज अ वेरी गुड डायरेक्शन, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। अरे एक्टिंग वाइज तो विद्युत जामवाल इज अ वेरी गुड एक्टर, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं उसको 5/5 देना चाहूँगा पूरे के पूरे, कोई कट नहीं कुछ नहीं। उसमें रैपिंग बहुत अच्छी दी है लास्ट में, वो एक ज़रूरत होती है कि एक तो सॉन्ग होना चाहिए लास्ट में है, और अदा शर्मा की एक्टिंग इज़ अ वेरी गुड, जहाँ जहाँ पर उसने अपने डायलॉग जिस तरीके से बोले थे बहुत अच्छे से बोले, और दूसरी लड़की का उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। तो विलेन ने भी अपने कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई किया है, मतलब लगा है कि हाँ एक विलन का जो ऑरा होता है उसने पूरा कनेक्ट किया है पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक। गाने कैसे लगे? गाना उसमें ज़्यादा है नहीं, एक ही सॉन्ग है, तो वो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, और सॉन्ग की ज़रूरत भी नहीं था, जिस हिसाब से स्टोरी है उसके हिसाब से लगता नहीं था कि उसमें सॉन्ग होना चाहिए। 5 में से 5 पूरे। और एक्चुअली मैं जिस मूवी में वो देशभक्ति वाला सीन था वो बहुत ज़बरदस्त था, जो कमांडो 3 का जो हीरो है वो जाता है लंदन और उस आतंकवादी को पकड़ के लाता है, तो वो एक देखने लायक सीन था, बहुत ज़बरदस्त। हाँ सब लगभग सभी एक्टर एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए, सभी एकदम अच्छा लग रहा था, सभी का मूवी देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, 5 स्टार। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, एवरीवन शुड वॉच इट। विद्युत जामवाल एक्टिंग ऑल ओवर बेस्ट एक्टिंग। कमांडो 1 और 2 के मुकाबले ये 3 बहुत ही बेस्ट मूवी है कमांडो 1 और 2 के मुताबिक, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा ग्रेट मैसेज है, पब्लिक मैसेज है, सबको देखना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऑब्वियसली बात है सोच बदलनी चाहिए, बदलेगी ही, जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। एक गाना है, वो गाना कैसे लगा? गाने सारे मस्त हैं, ऑन दैट नॉक नॉक तेरा बाप आया, दैट वाज टू गुड। आउट ऑफ 5 5 स्टार। सबसे पहले बुरा पार्ट बताऊं, अच्छा पार्ट बताऊं? अच्छा पार्ट बताइए। सबसे पहले अच्छा पार्ट ये कि पिक्चर ने जो मैसेज दिया है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई क्रिश्चियन जो भी हैं, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है, इस देश के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो सभी ने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया था, तो ये किसी का भी नहीं कि ये किसी हिंदुओं का है या मुस्लिमों का, ये देश सभी का है। और ये एक अच्छी मैसेज देती है कि हिंदू और मुस्लिमों को साथ आके एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसे है विद्युत और राधा शर्मा? बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी है फिल्म, बहुत अच्छी है, कहीं भी बोर नहीं करेगी, बहुत गजब की फिल्म है और सभी को देखनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। एक्शन बहुत गजब का, आप एक एक सीन देख के हैरान रह जाएंगे, मतलब माइंड ब्लोइंग। थर्ड अच्छा है, 2 मैंने देखा नहीं, 1st देखा है, 1st एक अलग फील था, ये अलग फील है, बट बहुत अच्छा है। ओके, 4 स्टार देंगे। अब जो बुरा पॉइंट है वो और देख लो भाई। हाँ, बुरा पॉइंट ये है कि आज इंडिया के अंदर जितने भी पहलवान हैं, जितने भी रेसलर हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, वो हरियाणा से हैं, और हरियाणा के जो पहलवान हैं उनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि एक स्कूल जाती हुई लड़की की स्कर्ट उठा के देखते हैं, उसी को मिसेज बनाने की बात करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हरियाणा में तो अखाड़े भी इतनी दूर बने हैं जहाँ कोई आसपास औरत लड़की नहीं जा सके, तो इतना गलत तरीके से राइटर को सर्च करना चाहिए, डायरेक्टर को सर्च करना चाहिए कि हरियाणा के पहलवान इस देश की आन बान शान है, और उनको इस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ हीरो की एंट्री दिखाने के लिए, डूब के मर जाना चाहिए। पिक्चर अच्छी बनाए नो डाउट, लेकिन ये गलत मैसेज मत दो, हरियाणा के पहलवान है, इसी कारण इंडिया का सीना और चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया को मेडल ला के देते हैं, और आप उनको गलत तरीके से दिखाते हो हीरो की एंट्री के लिए। भाई थार में दम है ना, तो हीरो ने दूसरे तरीके से एंट्री दिखा दो, पर वैंचो पहलवानों की क्यों मतलब तुम गति खराब कर रहे हो, जो देश को मेडल लाके दे रहे हैं, क्या सोच जाएगी सभी? किसी लड़की की इज्जत पे आ जाते तो हरियाणा के पहलवान खड़े हो जाएं भाई।
जी ठीक है, इतना मतलब इतनी नहीं जमी जितना सोचते हैं। पिक्चर में है तो एक्शन ही, लेकिन स्लो है, स्लो एक्शन। नहीं वन 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 के वन वन अलग थी, वन अच्छी थी एक्चुअली। ये भी थोड़ी मतलब टेरिस्ट के ऊपर है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का करते हैं तो ज़रा अच्छा नहीं लगता है। गाने इसमें एक्शन मूवी में गाने अच्छे होते ही नहीं है। थ्री कैसी लगी कमांडो थ्री आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, देशभक्ति के ऊपर है, अच्छी फिल्म है। एक्टिंग अगेन गुलशन देविया सर टॉप पे रहेंगे, उसके साथ में हमारे फिल्म के जो हीरो हैं विद्युत जामवाल सर, काफ़ी कमाल एक्टिंग की है। हीरोइंस जो हैं एक नया एडिशन है अंगिरा धर, उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। साथ में क्या नाम है उनका दूसरे का, अंगिरा धर के अलावा डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छी फिल्म है, जो स्टोरी है वही दिखाने की कोशिश की गई और वो दिख रहा है स्क्रीन पे। सॉन्ग सारे लास्ट में है, एक रैप सॉन्ग है जो कि अच्छा है, और एक मैं थोड़ा सा पहले एग्जिट कर गया तो मैं दूसरा सॉन्ग मुझे पता नहीं है, तो बीच में उन्होंने डालने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी, तो शायद अच्छा है वो, अच्छा है। एक्शन फिल्म हम बोल सकते हैं वन और टू के मुकाबले थ्री कितने बेटर? सबसे बढ़िया मुझे तीन लग रहा है, क्योंकि एक्शन सबसे ज़्यादा इसमें है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर डालने की कोशिश की है, कहीं ज़्यादा उसे घुसने की ज़रूरत नहीं है। फोर थैंक यू सर।